धुआंधार से अब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं हम। पहाड़ से होते हुए क्रॉस करना है हमें जंगल। तो जंगल देखिए, ऐसा ही जंगल मांडवगढ़ से पहले लगा था हमें ऐसा। पत्थर पत्थर है सारी तरफ, छोटे बड़े। यहाँ धूप नहीं आती है इस वजह से हम थोड़ा आसानी से चल रहे हैं, पर ये ऐसे रास्तों पे धीरे धीरे ही चलना ठीक रहता है, क्योंकि एक भी पत्थर सर का तो पैर नीचे गिर सकता है, पैर मतलब पत्थर पे लग सकता है ऐसा। ऊपर ही आश्रम बनाया हुआ है एक, और यहाँ पे ऐसे निशान लगाए हुए हैं आश्रम सही रास्ते के। निशान ना हो तो गूगल पे आश्रम के प्लेस और उनके नाम दिए गए डायरेक्शन से आप चल सकते हैं, गूगल से, गूगल का हेल्प ले सकते हैं। कल ऐसे ही हुआ था, पद्म घाट की तरफ हम गए नहीं, हमें जाना था तो पद्म घाट से हम रुकवाड़ा आए तो गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उधर कोई निशानी नहीं था। फिर बाद में देखा मैंने पद्म घाट पीछे छूट गया, फिर पूछा लोगों से कि इधर कैसे, हम तो गांव में पहुंच गए थे, हमें आश्रम में जाना था। लेकिन कोई बात नहीं, गांव वालों ने भोजन प्रसादी हमारी वहीं पे करा दी थी। यहाँ पे है आश्रम देखिए, ये यहाँ पे आश्रम है और आश्रम में जाने की हम सोच रहे हैं। आइए, छोटी धुआंधार शांति कुटी बोला जाता है शायद इसको, नीचे देखा तो बोर्ड शांति कुटी लिखा हुआ था उस पर। बीच जंगल में आश्रम, छोटी धुआंधार से ठीक ऊपर पहाड़ पे। वहाँ पे महादेव जी विराजमान है, बहुत बड़ा शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग वैसा का वैसा लाके बिठाया गया, मतलब स्वयंभू टाइप नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे रहने की सुविधा परिक्रमावासी के लिए, बीच जंगल में है। कुटी, साधु कुटी। और यहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर यहाँ से नीचे से ही लाया गया होगा, बिल्कुल वैसे का वैसे बिठा दिया गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर शिवलिंग। यहाँ पे हनुमान जी, छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। धुआंधार का आश्रम जस्ट मैया के किनारे, और सुंदर सा आश्रम देखिए, कितना सुंदर नजारा है, और इधर रहने का आनंद ही कुछ और, किनारा और प्रकृति के सानिध्य में रहने का। बस यहाँ पे थोड़ा सा
प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सामान ले आना बहुत दूर से पड़ता है, इस वजह से थोड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ रहने का कुछ आनंद अलग ही है। सुंदर आश्रम, बाकी सब जंगल है यहाँ पे। कुटी नर्मदे हर जी, यहाँ पे छोटी धुआंधार नरसिंहपुर जिला में कार्यरत महाराज जी, कार्यरत महाराज जी, इनका नाम हम पूछते हैं। अभी हमारे लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने हाथों से सेवा करते हैं बहुत अच्छी। महाराज जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है स्वामी भगवतानंद जी। और आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं यहाँ पे? 20 बरस हो गया। देखिए 20 बरस से रोज भोजन प्रसादी बनाना और परिक्रमा वासी के लिए सेवा करना और नर्मदा मैया की रोज सेवा करना, ये इनका कर्तव्य जैसा बन गया है। और सेवा बहुत अच्छी करते हैं। देखिए हमारे लिए रोटी सब्जी तैयार कर रहे हैं, महाराज जी भी है वो भी सब्जी बना रहे हैं। मिर्ची वगैरह सब तैयार किया नहीं किया? तो दोस्तों यहाँ पे इस आश्रम को लोकल गांव वालों से कोई हेल्प नहीं है, और ये है आश्रम पहाड़ पे, धारा के ऊपर ही है आश्रम, और बाजू आजू सब जंगल है। बहुत कठिन रास्ता है लाने के लिए सामान, देख सकते हैं आप यहाँ पे रास्ता कठिन है। महाराज जी जाते हैं नरसिंहपुर शहर में जाते हैं और सामान लाते हैं अकेले ही। तो राम राम इंडिया परिवार की तरफ से हम कुछ सेवा करना चाहेंगे इनकी। तो महाराज जी हम राम राम इंडिया परिवार से कुछ आपके लिए सेवा करना चाहेंगे, आप ग्रहण कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, ये विनंती है। और आप राम राम इंडिया परिवार को प्लीज़ आशीर्वाद दे दीजिए एक बार, सभी सदस्य को। वो तो जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। वाह, वो आशीर्वाद कोई रोक नहीं सकता है। देखिए आशीर्वाद कोई देने की वस्तु नहीं होता, हमने पात्र हाथ दिया और पात्र में डाल दिया, वो तो जो सेवा करता तो ऑटोमेटिक वो तो चले ही जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वाह, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जो सेवा करता है उनको आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिल जाता है, देने की चीज़ नहीं है वो। सेवा करने वाला खुद खींच लेता है ना? हाँ जरूर जरूर। तो हम महाराज जी को कुछ राशि दे रहे हैं राम राम इंडिया परिवार की तरफ से, अभी कैमरे के सामने नहीं, तो आप देखते रहिए राम राम इंडिया और ऐसे ही सेवा करते रहिए, ये हमारी प्रार्थना। और राम राम इंडिया परिवार की तरफ से ये सेवा जा रही है, मैं पहले ही बता दूं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। नर्मदे हर। आश्रम का क्या नाम था महाराज जी? सिद्ध तपोवन परमहंस आश्रम छोटा धुआंधार नरसिंहपुर जिला। हाँ। कोई गांव बस्ती नहीं है यहाँ पर। एकांत में ही बना है। जंगल में ही है। भजन के लिए बनाया है। तो गांव बस्ती से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो गांव बस्ती के नजदीक रहते हैं, गांव बस्ती के आना जाना आवाज नर्मदा जी की धुन पानी की सिरी यहाँ से ब्रह्मनाद निकलता है यहाँ से भी। हाँ इसलिए हमारे स्वामी भी ध्यान के लिए। तो आपको ये सेवा करने में दिन पूरा जाता होगा शाम के वक्त? हाँ। ध्यान मेरे आपको वो भी करते हैं हम। उसके अलावा सेवा कर लेते हैं, उसकी कुछ कमी रहेगी तो उससे पूर्ति हो जाएगी। उनका अवस्था भी अच्छी है, अभी नया अवस्था है करने का, तो अवस्था हो जाएगी तो फिर अपने आप
पूरा टोटल काम पूरा मैं ही करता हूँ, बगिया टमाटर वमाटर साग सब्जी नर्मदे है नर्मदे है। कमी कम बोलते हो आप, कमी तो दे रहे हैं। हम लाख हजार कहाँ मिलेगा तुमको खाने? इतनी धूप में बैठ के ये लोग मसूर की दाल यहाँ पे लगाई है, वो काट रहे देखिए, ये मसूर की दाल है और इतनी धूप पड़ रही है हमको चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये अभी फरवरी है, देखिए किसान कितना कष्ट लेते हैं हमारे एक टाइम भोजन के लिए। मसूर लगाई हुई है, मसूर दाल इतनी धूप में वो लोग काट रहे हैं और ऐसे हर साल चलता रहता है, तो देखिए कितनी कष्ट की बात है। नर्मदे हर माता, बहुत मुश्किल से भोजन पकता है खेतों में। और हम जा रहे हैं, ये अगला गांव जो है गुरसी गांव है मैया के किनारे, उससे आगे जाने हम केरपानी। इतनी ठंडक मिलती है छाए में आके, बहुत गर्मी पड़ रही है। 1 बज रहा है अभी फिलहाल, धीरे धीरे में ऐसी भी गर्मी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, यही गर्मी लग रही है इतनी तो आगे बहुत लगेगी। अब फरवरी की गर्मी है ये, मार्च अप्रैल तो क्या होगा पता नहीं। सड़क पे पेड़ नहीं है ना, इस वजह से और ज़्यादा लग रही है। अभी खेत से जा रहा है, खेत के बीच में पेड़ तो नहीं रहेगा ना। गुरसी गांव में पहुंचे अब, नर्मदे हर हर माँ नर्मदा के किनारे गोकला गांव में मंदिर, शिवजी मंदिर। देखिए यहाँ पे शिवजी बन, नर्मदे यार शिवजी भगवान। और यहाँ मैया का किनारा, किनारे है ये बिल्कुल मंदिर, गणेश मंदिर है ये। गणेश जी के सामने भी यहाँ पे, नहीं गणेश मंदिर नहीं है, महादेव जी का ये गणेश जी वहाँ पे है। देखिए शिव जी भगवान, हाँ यहाँ पे सब लोग शिव परिवार है। और इस साइड है मैया, इस साइड हर हर महादेव। यहाँ पे नंदी भगवान बहुत सुंदर, चुप नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? दिशा। विदिशा? दिशा। दिशा कहाँ से हो? कटनी। कटनी जिला? कटनी जिला है, गांव है। चलिए बहुत भव्य पेड़ है, बड़ा पेड़, प्राचीन पेड़ है।
ग्राम गोखला मां नर्मदा के किनारे ये मंदिर। और यहाँ पे हनुमान जी, और यहाँ पे किसी की समाधि है। और ये किनारा मैया का यहाँ पे। अब इस साइड जाना है हमें आगे, चलिए चलते हैं हम। नर्मदे हर, हम ग्राम गोखला में हैं। माता जी यहाँ पे 20 साल से उन्होंने संन्यास लिया है, 20 साल से यहीं पे रहते हैं। और छोटी सी कुटी है, मंदिर के पीछे है छोटी सी कुटी, ये उनकी धुनी और देवता। और यहाँ पे माँ नर्मदा और माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं आप जैसी हो सके। और मैया आप अपना नाम बताइए प्लीज। जी रंगीली। अच्छा, तो आप कितने साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं? 20 साल से जैसे आपने, तो आपको कैसे लगा कि इस मार्ग पे चले? वो तो मैया खुद ही बताती है ना चलने के लिए। अरे वाह, उसी ने बैठा ली है यहाँ पे। और उसी के आधार चल रही है गाड़ी। अच्छा अच्छा, तो आप इसमें क्या क्या हासिल हुआ अभी आपको? इसमें का कुछ नहीं, अपन तो सेवा कर रहे हैं, मैया का भजन कर रहे हैं। हम संन्यास लिए हैं, जूना अखाड़े से हैं। अच्छा, दसरा में जूना अखाड़ा। तो आपको कैसे भक्ति, मतलब तपस्या भक्ति भजन ये कर रहे हैं और जितनी बन रही सेवा कर रहे हैं। और परिक्रमा वासी यहाँ पे आते हैं। हाँ आते हैं ना, रुकते हैं। और आपको मतलब कहाँ से आती है, आपका गुजर बसर कैसे होता है? कुछ नहीं, बस मैया के आधार गाड़ी चलती है, मास पूर्णिमा भक्त लोग आ जाते हैं। हाँ जी। और कुछ अब नहीं रहा तो फिर जाना भी पड़ता है गांव बस्ती में, सब्जी वब्जी का शुरू। अच्छा अच्छा, दोस्तों देखिए इधर यहाँ पे इनकी झोपड़ी, इसी झोपड़ी में आप रह रहे पहले से? वाह वाह, धुना है, धुना इनका। और ये पेड़ के सपोर्ट पे है ना, ये पेड़ ही लगा दिए थे उसको। पेड़ के बीच में से पेड़ गया है, उसी के सपोर्ट में झोपड़ी बनी है। ये एक व्रतस्थ जीवन है और बहुत बहुत प्रणाम आपकी ये सेवा को। वाह माता जी, वाह। हम भी तो महाराष्ट्र के ही हैं, नागपुर के। अच्छा, महाराष्ट्र के आप? अच्छा, नागपुर, खास नागपुर सिटी है, बाल गोपाल सब है, परिवार है। अच्छा। लेकिन हम दोनों पति पत्नी निकल करके, और पहले परिक्रमा की है मैया की। कितने साल हो गए परिक्रमा किए हुए? परिक्रमा हम 2002 में किए। अच्छा, 2002। और तब से आप यहाँ पे आ गए? जब से ही चतुर्मास यही मैया ने करवाई थी। अच्छा। और फिर परिक्रमा पूरी हो गई, फिर गए घर, लेकिन घर में नहीं रुकने दी मैया ने। अच्छा। अब बोले जहाँ चतुर्मास किए थे वहीं आकर के बैठो, वहीं सेवा करो, वहीं भजन करो। तो जब से जी आए हैं, तब बाबा जी भी थे हमारे महात्मा, शाम तो हो गए बैसाख के महीने। अब बैसाख के महीने में समाप्त हो गए शाम, जब सेवा के लिए। तो मैया जाने ही नहीं देती ना कहीं, यहाँ से हटने ही नहीं दे रही। तो आपकी भक्ति है मैया।
सब उसी की कृपा है। माता जी आपको गोकला गांव में क्या क्या चाहिए था, मतलब क्या क्या सेवा आपको लगती है कि यहाँ पे होनी चाहिए? यहाँ अन्न क्षेत्र के लिए अन्न की व्यवस्था है और यहाँ सबसे पानी की समस्या, यहाँ नलकूप भी लगना चाहिए और परकमवासियों के लिए रुकने के लिए धर्मशाला भी बनना चाहिए। यही मेरी इच्छा है क्योंकि वो आते हैं तो बहुत परेशानी में आते हैं, बेचारे थक करके आते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। और अब मैं अकेली हूँ, अब मेरी 77 साल की उम्र हो गई है, अब मैं कहीं बाहर जा कर के मैं ला नहीं सकती, अब उतनी व्यवस्था नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है। अब तो मैं उनको अगर अन्य क्षेत्र है यहाँ तो उनको सेवा कर सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ कि भाई पकाओ खाओ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना रुकने के लिए कोई व्यवस्था है, ना रुकने के लिए व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। और आज 20 साल से मैं अकेली आश्रम चला रही हूँ, सब्जी का भाजी का हर चीज ले लेकर के लाना, शक्कर चाय पत्ती सब चीज लेकर के ला करके और उनकी सेवा कर रही हूँ। अब उतनी क्षमता अब मेरे में नहीं रही, इसलिए मैं अगर आप लोगों की इच्छा है सेवा करने की तो आप यहाँ कुछ भी दान धर्म कर सकते हैं। दोस्तों देखिए माता जी यहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, ग्राम गोकला जिला नरसिंहपुर। ये जितनी बन सके अपने हाथों से या भिक्षा मांग के लाते हैं और परिक्रमावासियों की उतनी सेवा करते हैं। और राम राम इंडिया परिवार इनको कुछ देना चाहता है वो हम ऑफ कैमरा में देंगे जितना है अभी हमारे पास, लेकिन आप अगर सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ आके भी इनको दे सकते हैं और राम राम इंडिया परिवार की तरफ से भी आप दे सकते हैं। तो ये ग्राम गोकला है जिला नरसिंहपुर मैया का किनारा, माता जी यहाँ मिलेंगी हमेशा सेवा करते हुए। और छोटी सी झोपड़ी है मंदिर के पीछे, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे और ये धूना स्थान इनका। तो अब हम इनको जितना हो सके हमारे से उतनी सेवा करते हैं और परिक्रमा में आगे की तरफ निकलते हैं। नर्मदे हर। माता जी हमारे परिवार को आशीर्वाद तो दे दीजिए एक बार, हमेशा खुश रहे, बोलिए खुश रहे, ठीक है। नर्मदे हर माता जी।